जय माँ मठियाणा। दोस्तों आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद है आप सभी तो आज धूप लगी है तो अच्छा लग रहा है, सूखा सूखा थोड़ा बहुत। और आज के मौसम में हम आपको बादल बताते हैं।
कल से यहाँ पे धूप ही लगी हुई है और अच्छा भी लग रहा है। मेरी मम्मी और दादी यहाँ पे बैठे हैं। क्या ठाट है इनके, इनके नहीं है तो किनके हैं फिर? हमारे पहाड़ में जरूर आना अंगूर खाने, और अंगूर के साथ साथ यहाँ पे संतरे भी हो चुके हैं, ये देखिए। और ये है आड़ू, आड़ू का पेड़ है, बहुत ज़्यादा आड़ू है आए इन पे, ये देखिए पहाड़ी आड़ू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। हेलो दोस्तों, अभी मैं जा रही हूँ पिछलकोट की साइड, और ये हमारा ऊपर, इसके ऊपर हमारा घर है, और ये पीछे सिल्ला हमारा गांव का एक हिस्सा है ये भी। मेरी मम्मी और दादी ऊपर से देख रहे हैं वहां पे। यहाँ पे हमारा रिंगाल, बहुत ही सुंदर लग रही है रिंगाल। आजकल हर जगह हरियाली हरियाली है, तो मैं बिछलकोट जो हमारे घर पे ही, घर के ही बगल पे है, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ खास बताने जा रही हूँ। अब एक महीने बाद हमारा झंगोरा मंडुआ भी होने वाला है। अभी चली मैं बिछलकोट की साइड, और यहाँ ऊपर तो भी एक भगवान जी का पत्थर है, डाली माँ बोलते वहाँ पे, डाली माँ। फिलहाल मैं पहुँच गई हूँ पिछलकोट, और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी झील है पीछे, और इसके पीछे हमारा खेत। बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे पहाड़ का, तो ज़रूर आइए हमारे पहाड़ों में। और दोस्तों, मैं पहुँच चुकी हूँ अपने बिछलकोट में, और आप सोच रहे होंगे कि क्या खास बात है, तो मैं आपको बता दूँ, हमारे बिछलकोट में यहाँ पर रास्ते के ऊपर पर ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये देखिए, ये बहुत बड़ा ही पत्थर है। और ख़ास बात यह है कि ये पत्थर नीचे खिसकने वाला है, तो पहाड़ के लोग सतर्क रहे, और ख़ासकर जो हमारे माध गाँव भंडार के लोग हैं, तो कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें, और स्कूल के बच्चे, क्योंकि यहाँ दो रास्ते हैं, एक नीचे वाला है और एक ये वाला रास्ता है, तो चार स्कूल के बच्चे इसी साइड से जाते हैं, तो कृपया अपने बच्चों को समझा के रखें कि वहाँ पर जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पत्थर है, ये गदेरे के ऊपर कहीं नहीं रुकेगा, बहुत ही बड़ा पत्थर है ये। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सतर्क रखें और सावधान रखें, और ख़ासकर पहाड़ के लोगों, आजकल यही होता है सावन के महीने में पहाड़ खिसकने का डर होता है, तो प्लीज़ सावधान रहे और अपने पहाड़ों में एकदम सुरक्षापूर्वक रहे। ये देखिए बहुत ही बड़ा पत्थर है ये, और ये बहुत ज़्यादा खिसक चुका है, ये अगर एक बार गिर गया तो कहीं, मतलब गदेरे के ऊपर तो रुकेगा नहीं। तो खासकर माध गाँव वाले लोग जितने भी मेरे ब्लॉग को देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों को सतर्क रखें, और बोले कि वहाँ पर जल्दी जल्दी स्कूल के टाइम पर जल्दी जल्दी जाएं, बहुत ही बड़ा पत्थर है। और ये रहा पीछे बिछलकोट, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे खेतों का। हेलो दोस्तों, ये देखिए दो घुघुती भी आ चुकी है यहाँ पे, छोटी छोटी, तो दादी बोली इनमें पता नहीं किसका प्राण है, बोले एक मेरे दादाजी का होगा और एक किसका होगा, वो हमारे घर में ही रहते हैं, 12 मास आते ही रहते हैं, डरते भी नहीं है बिल्कुल।
तो दोस्तों आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप मेरे ब्लॉग से जुड़े रहिए और उम्मीद है आगे भी मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और मेरे दादी जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे, और मेरे माँ जी का भी आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहे, और आपका आशीर्वाद मेरा साथ बना रहे, और क्यों दादी, और मेरा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उम्मीद है आगे भी करते रहोगे, और मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। जय माँ मठियाना दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में।